हो जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोग एक और वैरायटी बनाने जा रहे हैं जो कि सैंडविच में है। इसका नाम है क्वीन ऑफ क्लब सैंडविच। चीजें जो आपको चाहिए, सबसे पहले आप लेंगे बोनलेस चिकन। मेरे पास यहाँ पर 1 किलो जितना बोनलेस चिकन है, उसे मैंने एक हांडी में डाल रखा है। उसमें आप डालेंगे 1 कप जितना पानी, नमक इसमें जाएगा 1 टीस्पून, ज़्यादा भर कर नहीं लेकिन दरमियाना, ठीक है। और उसके बाद मस्टर्ड पाउडर या पेस्ट आप इसमें डालेंगे। आपको मैंने मस्टर्ड पेस्ट बनाना सिखाया हुआ है, आपको लिंक वीडियो में दे दिया जाएगा। उसके बाद बीच में पिसी हुई काली मिर्चें जाएंगी 1 टीस्पून, लेमन जूस 1 टेबलस्पून है यहाँ पर, वोस्टरशायर सॉस जो है यहाँ पर 1 टेबलस्पून है। अगर आपके पास वोस्टरशायर सॉस नहीं तो फिर आप डार्क सोया सॉस भी डाल सकते हैं, वो आप 1 टीस्पून डालेंगे क्योंकि वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है। और उसके बाद बीच में जाएगा 2 टेबलस्पून जितना केचप, टमाटो केचप, वही सादा जो घर पर हम चिप्स बर्गर्स के साथ सर्व करते हैं। ये तमाम चीज़ों को डालें, इसको अच्छे से मिक्स कर लें और इसे हम यहाँ पर जो है मैं इसे कुक करूँगी यहाँ तक कि पानी कम्प्लीटली ड्राई हो जाना चाहिए और चिकन जो बिल्कुल आपका टेंडर हो जाए। और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। तो देख लें, चिकन कम्प्लीटली डन हो गया, पानी उसका खुश्क हो गया था और फिर मैंने चिकन को अच्छे से श्रेड कर लिया है यहाँ पर। तो चिकन का जो हमारा मिक्सचर है तैयार है। नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपने ब्रेड को तवे पे सेकना है या टोस्टर में, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मैं इसको तवे पर करूँगी। कोई तेल नहीं लगाना आपने, कुछ भी नहीं, सिंपली जो है आप तवे को गर्म करते हैं और बिल्कुल लो पे रखें ताकि उस पर खूबसूरत सा ब्रेड पर कलर आ जाता है और जो है हमारा टोस्ट तैयार हो जाएंगे। और फिर इसके जो है आपको दिखाते हैं कि आपने क्लब सैंडविच किस तरीके से बनाने हैं। तो ये देख लें, आपको ये भी दिखा दिया कि तवा मैंने बिल्कुल लो और मीडियम पे रखा हुआ है ताकि ब्रेड जल ना जाए, सिर्फ इतना इसको मैं यहाँ पर सेक रही हूँ, विदाउट एनी बटर या तेल या कुछ भी नहीं लगाया हुआ मैंने, ठीक है ना, बस इसी के से कलर आ जाएगा। और फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट आपने क्या करना है, बिल्कुल 1.5 टेबल स्पून जितना आप तेल डालते हैं और उसमें आपने अंडा डालना है। अंडा डालकर जो इसकी जर्दी है वो आपने सीधे से तोड़ लेनी है, ठीक है, और अंडे को अच्छे से फ्राई कर लें दोनों साइड से। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, एक साइड हो गई, इसको फ्लिप कर लेते हैं, ठीक है। और बेसिकली इसकी जर्दी है वो हम खुश कर रहे हैं। अब इसे निकाल करके पेपर टावल या टिश्यू पर रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाए और आपको दिखाते हैं सैंडविच किसका बनेगा। यहाँ पर हमने अब आपने जो है मेयोनीज लगानी है, तीनों स्लाइसेस पे पहले लगाएं और फिर नेक्स्ट स्टेप। तीनों पर आपने मेयोनीज लगा ली, उसके बाद एक लेयर के ऊपर आप चिकन को इवनली स्प्रेड कर लें। अब आप इसके ऊपर रखेंगे लेटस और उसके बाद जो दूसरा ब्रेड के ऊपर जो आपने मेयोनीज लगाई थी वो मेयोनीज वाली साइड आप यूं नीचे करते हैं, फर्मली इसको प्रेस डाउन कीजिएगा और इस तरह भी आपने मेयोनीज लगानी है। मेयोनीज लगा लेने के बाद इस पर अब आप रखेंगे एक चीज का स्लाइस फ्राइड, जो अंडा था वो डालेंगे, बिल्कुल मामूली सा इस पे नमक डाल रही हूँ मैं 1 चुटकी जितना, और इसी तरह कुटी हुई मिर्च डालेंगे आप। इसके बाद अब दोबारा इस पर जो है रखेंगे लेटस और टमाटर लगा लीजिएगा, बिल्कुल फाइनली स्लाइस करें, और इसी तरह ही क्यूकम्बर, खीरा फाइनली स्लाइस कर लें, ठीक है। और उसके बाद जो लास्ट ब्रेड है जिसमें हमने मेयोनीज लगाई हुई है, इसी के साथ इसके ऊपर डालते हैं, फर्म प्रेस कीजिएगा उसको और इसको डिश आउट करते हैं। इसी के साथ सैंडविच बनाते हैं और सिंपली आपने इसको काट लेना है, ठीक है, इसके चार से करके बीच में से आप टूथपिक को थ्रू कर देते हैं, इसे चिप्स के साथ सर्व कीजिएगा। कोल्ड स्लो आपको बनाना सिखाया है, काफ़ी डिफरेंट कोल्ड सैलड्स भी सिखाए हैं, ठंडी ड्रिंक्स के साथ सर्व कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर cookwithfaiza.net पर, वो भी इंग्लिश में। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो जरूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा
ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।